Hello dear students, welcome you all in a lecture series of nuclear physics. Dear students, हमने अपने previous lecture में nuclear properties को start किया था और कुछ properties को हम discuss कर चुके थे और कुछ हमारी रह चुकी थी जिनको हम आज proceed करेंगे. Students, हमने अपने previous lecture में basic properties में इन पांच properties को cover किया था, that is charge, mass, size, density. आज हम इन चारों को प्रोसीड करेंगे जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में पेंडिंग रह चुकी थी. न्यूक्लियर स्पिन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट एंड पैरिटी. गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ डिस्कस करना न्यूक्लियर स्पिन. स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर स्पिन का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से जुड़ा हुआ है. मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है इस चीज का. यहाँ मैंने दो एनर्जी लेवल्स बनाए हैं. जो अपर एनर्जी लेवल है उसकी ब्रॉडनेस थोड़ी सी ज्यादा है और लोअर वाले की थोड़ी कम है. ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी भी है. एज एन इंक्रीजेस, एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द ब्रॉडनेस ऑफ लेवल ऑल्सो इंक्रीजेस. तो यहाँ पे आपका कोई एलिमेंट है जो अपर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जब वो डी एक्साइट होकर लोअर स्टेट में आता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है. और मैंने ये दो तीन रैंडमली स्पेक्ट्रास की लाइंस बनाई हैं कि ये आपके पास स्पेक्ट्रा मिल रहा है. गॉट माय पॉइंट? फिर जब हम फाइन स्ट्रक्चर, या ये कह दो कि जब हम स्पेक्ट्रा को डिटेल में हाई रिजोल्विंग स्पेक्ट्रोग्राफ से स्टडी करते हैं, तो मान लो मैंने इसमें से कोई भी एक सिंगल लाइन को पिक किया और उसकी डिटेल्ड स्टडी करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, मींस आई एम ऑब्जर्विंग दैट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन इन हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोग्राफ, तो हमें वहां पे क्या मिल रहा था स्टूडेंट्स, कि ये एक लाइन भी नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट हो रही है, जो कि लाइंस आपस में बहुत क्लोज थी, और इन्हीं लाइंस को नेम दिया गया हाइपर फाइन स्ट्रक्चर. और पोली ने 1924 में ये चीज कही थी कि ये जो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर है दे आर कनेक्टेड समवेयर विद न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज. गॉट माई पॉइंट? वहीं से न्यूक्लियर स्पिन का कंसेप्ट हमारे सामने आया. गॉट माई पॉइंट? कि न्यूक्लियर स्पिन का कंसेप्ट जो है वो डिटेल्ड स्टडी अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस की कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट मिला हमें. और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जब आप हाई रिजोल्विंग पावर पे किसी स्पेक्ट्रल लाइन को स्टडी कर रहे थे स्पेक्ट्रोग्राफ में, तो हमने ये देखा कि दैट सिंगल लाइन स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ लाइंस, क्लोजिंग लाइंस, मींस ये लाइंस बहुत क्लोज थी एक दूसरे के, और इन लाइंस को बोला गया हाइपर फाइन स्ट्रक्चर. गॉट माई पॉइंट? अब स्टूडेंट्स, इसके बाद ये कंसेप्ट दिया गया कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं वो, स्पिन भी, सेम वैसे ही न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है हमारे पास, वो भी न्यूक्लियस के अंदर सेम इसी टाइप से दोनों टाइप के मोशन करेंगे, ऑर्बिटल एज वेल एज स्पिन मोशन. अब ये चीज आपको पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है अराउंड सम बॉडी मींस ऑर्बिटल मोशन, और अराउंड इट्स ऑन एक्सिस मींस स्पिन मोशन, तो उसकी वजह से मोमेंटम भी बनता है और मोमेंट भी जनरेट होता है. तो मैंने आपके पास लास्ट टू पॉइंट्स में यही चीज लिखी है स्टूडेंट्स, कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से पार्टिकल के पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा. गॉट माई पॉइंट? और स्पिन मोशन की वजह से भी इन्हीं पार्टिकल्स के पास, पार्टिकल में यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये कह सकते हैं स्पिन मोशन की वजह से भी एंगुलर मोमेंटम भी होगा और मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा. और इस मोशन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमें अब न्यूक्लियस की और प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन करने की जरूरत है. गॉट माई पॉइंट? क्या चीज कही मैंने आपको, कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसी तरह ऑर्बिटल और स्पिन मोशन करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में करता है. गॉट माई पॉइंट? और उस मोशन की वजह से जो न्यूक्लियस है उसके
पार्टिकल्स का या ये कह दो कि न्यूक्लियस के पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है और मोमेंट भी होता है, ठीक है। तो अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि स्पिन न्यूक्लियस की एग्जिस्ट करती है और उस मोशन की वजह से उनके पास क्या एग्जिस्ट करता है, मोमेंटम भी एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ एंगुलर मोमेंटम की, और ये मैं आपको थोड़ा सा ये भी कह देती हूँ स्टूडेंट्स कि आज जो मैं प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, उनको आप पहले इलेक्ट्रॉन के लिए स्टडी करो, फिर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए स्टडी करो। इससे आपके लिए इजी रहेगा क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन के लिए पहले से स्टडी कर चुके हो, उसकी पिक्चर आपको विजुलाइज है, तो पहले आप इलेक्ट्रॉन का डिस्कशन करो, फिर सिमिलरली उस चीज को आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे अप्लाई कर दो, तो इससे आपको इजी रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी, किसके बारे में, एंगुलर मोमेंटम की स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियस की थोड़ी सी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ये तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियॉन से मिलकर बना है। अगर न्यूक्लियॉन का एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस का भी करेगा। तो पहले हम सिंगल न्यूक्लियॉन का निकालेंगे और उन सब से हम रिजल्टेंट न्यूक्लियस के लिए निकाल लेंगे। गॉट माई पॉइंट? तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है I इज इक्वल टू L प्लस S। एक न्यूक्लियॉन के लिए मैंने ये लिखा है, इसमें I जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम है एक न्यूक्लियॉन का। गॉट माई पॉइंट? और L जो है वो एक न्यूक्लियॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और S जो है वो सिंगल न्यूक्लियॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। गॉट माई पॉइंट? तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम एक न्यूक्लियॉन के लिए, न्यूक्लियॉन वर्ड में इसलिए यूज करूं ताकि मैं बार बार ये नहीं बोलना चाहूंगी कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, ठीक है। तो होल न्यूक्लियस के लिए अगर आपको निकालना है तो आप सभी न्यूक्लियॉन का सम अप कर दीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास न्यूक्लियॉन है कितने। आपको पता है कि न्यूक्लियस में ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ए क्या है? उस न्यूक्लियस का मास नंबर। तो मैंने यहाँ पे ये ऑर्बिटल सम अप कर दिए सभी, और ये स्पिन के लिए सम अप कर दिए। अब यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाती है स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू, इनको मैंने समेशन के फॉर्म में लिख लिया सेम ऐसे ही, और समेशन की मैंने लिमिट लगाई है 1 से लेकर A तक, क्योंकि आपको पता है टोटल न्यूक्लियन होंगे ही A। फिर इसको आप कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको कैपिटल S से, ठीक है। कैपिटल L क्या बता रहा है? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है। S क्या बताता है आपको? स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये तो स्टूडेंट्स हुआ कि वेक्टर फॉर्म में हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मुझे सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करनी हो तो हमें इस तरीके से मैग्नीट्यूड लिखना होगा, चाहे आप टोटल की बात कर लो, चाहे आप स्पिन और ऑर्बिटल की बात कर लो। इसमें हम इस तरीके से लिखते हैं, रूट आई इंटू आई प्लस वन, स्पिन है तो रूट एस इंटू एस प्लस वन, और ऑर्बिटल है तो रूट एल इंटू एल प्लस वन, और मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है? एच कट। एच कट आपको पता ही है, एच अपॉन टू पाई। गॉट माई पॉइंट? तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप टोटल एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको किसी न्यूक्लियस का मास नंबर पता है और ईच न्यूक्लियॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम अच्छे से पता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस का जो एंगुलर मोमेंटम निकल के आ रहा है वो मास नंबर से कनेक्ट है। स्टूडेंट्स यहाँ हमने देखा ना कि इट इज कनेक्टेड विद अ मास नंबर। तो जनरल डिस्कशन में हम ये कह सकते हैं कि जिन न्यूक्लियस का मास नंबर इवन होगा उसका जो टोटल रिजल्टेंट निकल के आएगा एंगुलर मोमेंटम का, दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ एच कट, जैसे 3H कट, 4H कट, इस टाइप से। और जिन न्यूक्लियॉन के लिए मास नंबर की वैल्यू ओड होगी वहां पे हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच कट का, जैसे 3/2H कट, 5/2H कट, इस तरीके से। और ये चीज स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के कंप्लीट एग्रीमेंट में थी। गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट हमने जो स्टडी किया दैट वाज कंप्लीटली
अबाउट न्यूक्लियर स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट। ये जो प्रॉपर्टी है ना स्टूडेंट्स न्यूक्लियस की, ये हमें शेप के बारे में बताती है कि न्यूक्लियस की कब शेप स्फेरिकल होगी और कब ये अपनी स्फेरिकल शेप से एलिप्सॉइड की शेप में डेविएट होगा और कितना डेविएट होगा। तो हम ये कह सकते हैं इट इज एन इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डील विद द शेप ऑफ न्यूक्लियस। और ये भी कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपको यहां तक बताने की कोशिश करती है कि न्यूक्लियस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म किस एक्सटेंट तक है। ठीक है, क्योंकि जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा ना, वहीं इस मोमेंट की वैल्यू आना स्टार्ट होगी। गॉट माय पॉइंट? तो यू कैन से दैट दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ न्यूक्लियस मेजर्स द डेविएशन ऑफ अ न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स स्फेरिकल सिमेट्री। अब मैं आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे एक शेप दिखा रही हूँ बना के, दैट इज एलिप्सॉइड। अगर आप 3D की बात करो, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस जो है वो 3D शेप का है, तो मैंने यहाँ एलिप्सॉइड बनाया है। इसमें एक एक्सिस ये शो की है और एक ये जो एक्सिस है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिमेट्रिक एक्सिस है। ठीक है, तो सिमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल जो आपकी इस एलिप्स की एक्सिस बन रही है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। और सिमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस बन रही है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। आई रिपीट इट, द एक्सिस अलोंग द सिमेट्रिक एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बी एंड द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सिमेट्रिक एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसकी टोटल लेंथ स्टूडेंट्स 2b होगी और इसकी टोटल लेंथ 2a होगी। गॉट माई पॉइंट? अब स्टूडेंट्स अगर हम ये मान के चले कि इस एलिप्सॉइड में जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो जो क्वाड्रपल मोमेंट है वो हम इस तरीके से शो करेंगे, q इज इक्वल टू 2/5 जेड इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको पता है जेड एटॉमिक नंबर है उस न्यूक्लियस का जिसकी शेप के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे, बी सिमेट्रिक एक्सिस के पैरल जो एक्सिस होगी आपके न्यूक्लियस की एलिप्सॉइड शेप की, और ए उसके परपेंडिकुलर एक्सिस होगी। अब क्वाड्रपल मोमेंट की वैल्यू मींस द वैल्यू ऑफ क्यू मे बी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और जीरो भी हो सकती है। हम इसके केसेस भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि कब जीरो होगी, कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। अगर मैं डायमेंशन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान से देखो। जेड इज अ नंबर, एटॉमिक नंबर, इसके तो कोई यूनिट्स होंगे नहीं, 2/5 ये भी जस्ट नंबर है। अब यहां देखो, यहाँ पे मैंने लिखा बी स्क्वायर, बी क्या लेंथ है, ठीक है, बी लेंथ ही है ना, और ए भी लेंथ है, उसका स्क्वायर करोगे तो मतलब लेंथ का ही स्क्वायर हो रहा है, तो लेंथ का स्क्वायर मतलब एरिया। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रपल मोमेंट के जो डायमेंशंस हैं दैट आर सेम ऑफ एरिया, ठीक है, जो यूनिट्स एरिया के हैं वही क्वाड्रपल मोमेंट के भी हैं। अब बात ये आती है कि हम इसको मीटर स्क्वायर में बता सकते हैं, बट स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के लिए मीटर जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी डायमेंशन है, इसलिए हम नॉर्मली क्वाड्रपल मोमेंट को बर्न्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और बर्न्स की रिलेशन आपको पता होनी चाहिए, दैट इज 1 बर्न इज इक्वल टू 10^-28 मीटर स्क्वायर। Got my point? अब स्टूडेंट्स मैं बात करना चाहूंगी आपके साथ कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और किस किस केस में वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी और जीरो होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। नंबर 1, साइज ऑफ अ न्यूक्लियस, कि आप जो न्यूक्लियस ले रहे हो या जिसकी शेप की बात कर रहे हो उसके लिए रेडियस की क्या वैल्यू है। सेकंड, एक्सटेंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम अ स्फेरिकल सिमेट्री, कि वो किस एक्सटेंट तक स्फेरिकल सिमेट्री से डेविएट हुआ है। जितनी ज्यादा डेविएशन होगी ना स्टूडेंट्स, उतनी ज्यादा क्वाड्रपल मोमेंट की वैल्यू आएगी। नंबर 3, कि उस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज होगा
तो ये कह सकते हो कि सिमिट्री के डेविएट होने के चांस ज्यादा होंगे, और जितनी डेविएशन ज्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। गॉट माय पॉइंट? तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी कि किन किन केसेस में ये नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी और जीरो होगी। सबसे सिंपल केस मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रही हूँ वो लाइट न्यूक्लियस का डिस्कस कर रही हूँ स्टूडेंट्स। लाइट न्यूक्लियस इन सेंस कि जिसमें जिसका मास नंबर कम है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम है। तो होता क्या है कि जब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमारे पास बहुत कम है न्यूक्लियस में, तो उस सिचुएशन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है और वो बहुत ही सिमिट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलोंग ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो जब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो चाहे वो इस एक्सिस के अलोंग ले लो या इसके अलोंग ले लो, तो इससे क्या होगा कि डेविएशन कम होने की वजह से इस तरफ और इस डायरेक्शन दोनों तरफ ही जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, तो दोनों की लेंथ सेम होगी। ठीक है, द एक्सिस अलोंग द सिमेट्रिक एक्सिस एंड द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सिमेट्रिक एक्सिस हैव अ सेम मैग्नीट्यूड। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट न्यूक्लियाई के लिए बी और ए की वैल्यू सेम होगी। तो अगर आप क्वाड्रपल मोमेंट का एक्सप्रेशन देखो स्टूडेंट्स, तो वहां पे अगर बी और ए अगर सेम है तो क्यू की वैल्यू जीरो आ रही है। मीन्स ऐसे न्यूक्लियस जिनके लिए इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो आए, वहां पे हम कह सकते हैं कि दोज न्यूक्लियस हैव अ स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स वहां पे कहीं भी पार्शियलिटी नहीं हुई है, जितनी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द सिमेट्रिक एक्सिस है उतनी ही उसके परपेंडिकुलर भी है, और ऐसे न्यूक्लियस की शेप स्फेरिकल होगी। गॉट माई पॉइंट? अब स्टूडेंट्स मैं बात करती हूँ कि क्यू की वैल्यू किन केसेस में पॉजिटिव होगी और किन केसेस में नेगेटिव होगी। अब चाहे आप पॉजिटिव की बात करो चाहे नेगेटिव की बात करो, ऐसा हैवी न्यूक्लियस में होने के चांस ज्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि हैवी न्यूक्लियाई में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं हो पाता। हैवी न्यूक्लियस का मतलब दे हैव अ लार्ज नंबर, लार्ज वैल्यू फॉर मास नंबर। तो मास नंबर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वहां पे न्यूक्लियॉन का नंबर ज्यादा है जिन्होंने न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करना है। ठीक है, अब ये चीज भी आप पढ़ोगे कि हैवी न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, और उनको स्टेबल करने के लिए जब हमने पैरामीटर स्टडी किए तो हमने ये चीज देखी कि जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैं रिपीट करती हूँ, लाइट न्यूक्लियाई में स्टूडेंट्स क्या होता है कि मास नंबर में जितने मास नंबर हैं नॉर्मली, मतलब ऐसा होता है ऑलमोस्ट कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम रहते हैं, बट जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ऐसा सिर्फ हैवी न्यूक्लियाई को स्टेबल करने का एक फैक्टर है ये। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको बता दिया क्योंकि हैवी न्यूक्लियाई की बात चली कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का मास नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के चांस कम होते जाते हैं। या तो डिस्ट्रीब्यूशन इस सिमेट्रिक एक्सिस में पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा होने लग जाता है या फिर सिमेट्रिक एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस में ज्यादा होने लग जाता है। मैं दोनों ही डिस्कस करती हूँ आपके साथ केसेस स्टूडेंट्स। मान लो जो हमारे पास चार्ज है टोटल जिसको हमने न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो अलोंग सिमेट्रिक एक्सिस जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंटली डेविएट कर गया, तो ऑब्वियस है ये वाली जो लेंथ है ये स्ट्रेच होगी। ठीक है, तो बी की वैल्यू ए से ग्रेटर आएगी। उस केस में आप इस एक्सप्रेशन से देख सकते हो अगर बी जो है उसकी वैल्यू ए से ज्यादा है तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और न्यूक्लियस स्फेरिकल होने की बजाय प्रोलेट शेप में होगा। गॉट माई पॉइंट? अब सेकेंड केस में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो रहा है कि चार्ज इज मोर प्रोमिनेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सिमेट्रिक एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन बी। अब ऐसे केस में अगर ये चीज ग्रेटर है तो क्यू की वैल्यू तो नेगेटिव होगी और न्यूक्लियस की शेप क्या होगी? ऑब्लेट शेप होगी। तो स्टूडेंट्स ये डिपेंड करता है
पूरा का पूरा ये जो आपने देखा क्वाड्रपल मोमेंट का रोल, वो सारा का सारा चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे है। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तो क्यू की वैल्यू जीरो, अगर सिमेट्रिक एक्सिस के अलोंग ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रोलेट न्यूक्लियस, अगर परपेंडिकुलर टू द सिमेट्रिक एक्सिस डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो ऑबलेट शेप, और ऑबलेट और प्रोलेट शेप हैवी न्यूक्लियाई में मिलती है। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक दो पॉइंट और डिस्कस करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं क्वाड्रपल मोमेंट की, कि इसका बिहेवियर कैसे कैसे वेरी करता है। वैसे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल की जो वैल्यू है वो बहुत स्मॉल ही हमने ऑब्जर्व की थी। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा डाटा प्रोवाइड करती हूँ। जैसे लार्जेस्ट वैल्यू जो अगर आपके पास आपको देखने को मिली, दैट इज 7 × 10⁻²⁸ मीटर स्क्वायर, और ये ल्यूटीटियम के लिए थी। और लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू जो है वो ये थी 1.2 × 10⁻²⁸ मीटर स्क्वायर, और एंटीमनी के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स की क्वाड्रपल मोमेंट की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस की डिस्टोर्शन जो है स्फेरिकल शेप से वो बहुत कम है। तो हम जनरली जो कॉमन अजम्पशन है कि न्यूक्लियस स्फेरिकल होते हैं उसको ले सकते हैं। तो हम आगे जब बात करेंगे ना, शेप की बात कर रहे होंगे हम, किसी प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे होंगे, या हम कोई कैलकुलेशन स्टडी कर रहे होंगे, या कोई कैलकुलेशन से कोई डाटा निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, हम यही अजम्पशन लेकर चलेंगे कि न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल शेप के ही है। ठीक है, डिस्टोर्शन होती है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम उसको स्मॉल है इसलिए इग्नोर करके चलेंगे, कॉमन अजम्पशन ही यूज करेंगे, दैट इज न्यूक्लियस जो है सभी वो स्फेरिकल शेप में है। गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? अब हम डिस्कस करते हैं पैरिटी। पैरिटी वैसे आपके लिए एक नया वर्ड है, क्योंकि आपने पैरिटी की जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये न्यूक्लियस की इससे पहले कभी स्टडी नहीं की। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये वेव फंक्शन के साथ जुड़ी हुई है स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी। मींस पैरिटी जो है वो वेव फंक्शन के बिहेवियर को बताती है। अब आपको पता है कि वेव फंक्शन क्या बताता है, आपके सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पैरिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ न्यूक्लियस विच डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस वेन यू इन्वर्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वेव फंक्शन, कि जब आप वेव फंक्शन के कोऑर्डिनेट को इन्वर्ट करते हो तब न्यूक्लियस का बिहेवियर कैसा होगा, इसके बारे में आपको पैरिटी बताती है। गॉट माय पॉइंट? मींस ये एक इन्वर्जन प्रॉपर्टी है जो हमें कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम के बारे में बताने की कोशिश कर रही है। जैसे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ मेंशन किया है कि आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है, और ये जो फंक्शन है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई एंड जेड। मैंने क्या किया, इन कोऑर्डिनेट्स को इन्वर्ट कर दिया, मींस रिप्लेस किया एक्स को माइनस एक्स से, वाई को माइनस वाई से, और जेड को माइनस जेड से। तो ऐसा करने पे अगर आपके वेव फंक्शन में कोई भी चेंज ना आए तो हम ये कह सकते हैं कि उस न्यूक्लियस की पैरिटी इवन है। बट अगर चेंज करने पे, ऐसा करने पे आपके वेव फंक्शन का साइन इन्वर्ट हो जाए तो आप ये कह सकते हो कि उस न्यूक्लियस का जो मोशन है उसकी पैरिटी ओड है। गॉट माय पॉइंट? और अगर आप जनरली चाहो तो आप पैरिटी को P से शो करते हो स्टूडेंट्स, ये एक ऑपरेटर है। जब भी ये किसी फंक्शन पे अप्लाई होगा तो फंक्शन की वैल्यू या तो पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से चेंज होगी। पॉजिटिव का मतलब नो चेंज, और नेगेटिव का मतलब कि मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा बट वो उसका साइन इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है तो इवन पैरिटी, और नेगेटिव आ रहा है तो ऑड पैरिटी। और ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि पैरिटी जो है वो स्टेट को बताती है। ठीक है, मींस सेम न्यूक्लियस की अलग अलग स्टेट के लिए जो पैरिटी की वैल्यू होगी वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पैरिटी डिटरमाइंड अबाउट द डिफरेंट स्टेट ऑफ द सेम न्यूक्लियस, कि एक ही न्यूक्लियस की जो अलग अलग स्टेट हैं उनको भी करेक्टराइज करने के लिए पैरिटी का यूज किया जाता है। अब स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेंगे
कि मान लो आपने किसी सिस्टम की पैरिटी बतानी है, बट आपको ये पता है कि वो सिस्टम जिन पार्टिकल से बना है उनकी पैरिटी पता है, तो क्या करोगे कि जैसे मान लो आपने न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस किससे मिलके बना हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो अगर आपको उसमें रहने वाले, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करने वाले सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्पिन सॉरी पैरिटी पता है, तो न्यूक्लियस की कैसे निकलेगी, उन सब की पैरिटी का प्रोडक्ट करो, मींस न्यूक्लियोन की पैरिटी का प्रोडक्ट करके आप न्यूक्लियस की पैरिटी को निकाल सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी सिस्टम की अगर आपको पैरिटी निकालनी है तो उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स की पैरिटी का प्रोडक्ट कर दो। गॉट माई पॉइंट? और ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें ओड पैरिटी के इवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उसकी टोटल जो पैरिटी आएगी वो इवन ही आएगी। क्या बोला मैंने? ओड पैरिटी के इवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उस सिस्टम की पैरिटी इवन ही रहेगी। और थर्ड पॉइंट में मैंने यहाँ मेंशन किया है कि इवन पैरिटी के कितने भी पार्टिकल हों आपके सिस्टम में, तो आपके सिस्टम की जो रिजल्टेंट पैरिटी होगी वो हमेशा ही इवन होगी। और ये भी ध्यान रखो स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियस की पैरिटी जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएट करती है, मीन्स उससे जुड़ी हुई है। अगर किसी न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम इवन है तो उसकी पैरिटी भी इवन होगी, अगर मोमेंटम ऑड आ रहा है तो उसकी पैरिटी भी ऑड होगी। और आपके लिए यहाँ पे एक जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला मैंने मेंशन किया है जिससे आप पैरिटी निकाल सकते हो, दैट इज पी इज इक्वल्स टू -1 की पावर एल, और ये जो है आपके पास एल ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है, ठीक है। इससे आप पैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। और मैंने आपको यहाँ प्रोटोन और न्यूट्रॉन की पैरिटी मेंशन भी की है कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन की पैरिटी इवन होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने स्पेशली आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इसलिए की स्टूडेंट्स क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है और दोनों की पैरिटी इवन है, ठीक है। तो आप इस तरीके से किसी भी न्यूक्लियस की पैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया पैरिटी का आर्टिकल। ये आर्टिकल हो सकता है आपके लिए बिल्कुल ही नया हो, तो मैंने इसको बड़ा बेसिक तरीके से बताया है कि पैरिटी जो है वो वेव फंक्शन से जुड़ा हुआ है, कंसेप्ट है वेव फंक्शन से, और वेव फंक्शन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि पैरिटी जो है वो आपको ये बताती है कि कोऑर्डिनेट को इन्वर्ट करने पे न्यूक्लियस जिस स्टेट में है उसको कैसे डिफाइन करना है। गॉट माई पॉइंट? और ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं यहाँ पे सिंपल सिंपल से, जिससे आप देखते ही थोड़ी सी कैलकुलेशन करके ही बता सकते हो कि आपके पास जो सिस्टम है उसकी पैरिटी इवन होगी या फिर ओड होगी। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब आपको ये चीज पता है स्टूडेंट्स कि डायपोल मोमेंट जो है ना वो किस चीज से कनेक्ट है, कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल से कनेक्ट है। तो न्यूक्लियस जो है उसकी भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसके न्यूक्लियोन की एग्जिस्ट करती है। हम इसको म्यू से डिनोट करते हैं स्टूडेंट, म्यू से। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी स्टडी की हुई है और हम उसी चीज को आगे प्रोसीड करके न्यूक्लियस की भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स आपको ये चीज पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एसरलेट करता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है और उसका मोमेंट भी जनरेट होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एक ऑर्बिट दिखाया है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो क्लॉकवाइज है, तो ऑब्वियस अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी वजह से करंट भी बनेगा, तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जब आप इसको सामने से देखोगे देन दिस साइड ऑफ दिस ऑर्बिट बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, और दूसरी तरफ से देखोगे देन इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल। गॉट माई पॉइंट? तो ऑब्वियस है जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेट बन रहे हैं, तो मोमेंट भी होगा। तो मोमेंट का फॉर्मूला आपको नॉर्मली पता है क्या होता है, करंट इंटू एरिया, आई इंटू में ए। अब करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया ई बाय कैपिटल टी, और एरिया वही एरिया लेना होता है जिसको ये डायपोल कंटेन कर रही है, दैट इज द एरिया ऑफ दिस ऑर्बिट पाई आर स्क्वायर।
गॉट माई पॉइंट? अगर आप यहाँ पे टी निकालना चाहो स्टूडेंट्स, तो टी है क्या कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में जिस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो 2πr सर्कमफ्रेंस हो गया, और स्पीड यहाँ पे बी ले लिया आपने इलेक्ट्रॉन की, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो जो भी टर्म्स कैंसल आउट हो रही है उसको कैंसल आउट करने के बाद आपके पास रह जाएगा ईवीआर डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो mvr जो है यहाँ पे ये क्या बन गया आपका एंगुलर मोमेंटम। तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाती है e कैपिटल l डिवाइड बाय 2m। अब मैं यहाँ पे एक रेशियो डिफाइन कर रही हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज जायरो मैग्नेटिक रेशियो। और ये क्या होता है कि ये अगर आप मोमेंट को ऑर्बिटल मोमेंटम से डिवाइड कर दो तो आपके पास जो रेशियो आता है दैट इज नोन एज जायरो मैग्नेटिक रेशियो। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास ई बाय 2m। और ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो मैंने कैलकुलेशन की है अभी ये इलेक्ट्रॉन के लिए की है। तो अब आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने उसकी वैल्यू सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए ले ली, दैट इज जेड। तो मैंने यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट में स्टूडेंट्स जेड मेंशन कर दिया है। और आपको पता है एल जेड की वैल्यू क्या होती है, एम एल एच कट, गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू भी पुट कर दी, एम एल जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, माइनस एल से प्लस एल तक। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस टर्म को देखूं तो ये क्या है, ई एच कट डिवाइड बाय 2me, और इसको बोला जाता है बोर मैग्नेटन। यहाँ पे आप e की वैल्यू पुट कर सकते हैं 1.6 × 10⁻³⁻¹, h की पुट कर देना 6.6 × 10⁻³⁴, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁶ kg। जब आप वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर दोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये रिजल्ट निकल के आएगा, और ये बोर मैग्नेटन की वैल्यू है, गॉट माय पॉइंट। तो स्टूडेंट्स मैंने ये सारी की सारी कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन के लिए की, और ये चीज मैंने आपको बताई है कि जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर मोशन कर रहा है वैसे ही न्यूक्लियॉन इनसाइड द न्यूक्लियस कर रहे हैं। और यहाँ मैंने एल इसलिए लगाया क्योंकि मैंने ये जो सारी कैलकुलेशन की है ये ऑर्बिटल मोशन के लिए की है, ठीक है। तो अगर मैं न्यूक्लियॉन की बात करूं तो सेम ही कैलकुलेशन होगी, बस फर्क क्या है कि यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ मास ऑफ न्यूक्लियॉन आएगा, चाहे आप प्रोटॉन का रख लो चाहे आप न्यूट्रॉन का रख लो। तो सेम ये वाली टर्म मैंने उठा के यहाँ पिक की है। अब इसको मैं बोर मैग्नेटन बोल रही थी कब, जब यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था। अगर यहाँ मास ऑफ न्यूक्लियॉन आ जाता है तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियर मैग्नेटन। और सभी टर्म सेम है स्टूडेंट, सिर्फ मास का डिफरेंस है कि बोर मैग्नेटन में मास इलेक्ट्रॉन का आता है और न्यूक्लियर मैग्नेटन में मास प्रोटॉन का आएगा। तो आप देख सकते हो वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल मोशन के लिए, यहाँ से स्टूडेंट्स मैंने अब न्यूक्लियस के लिए कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी है। तो ये ऑर्बिटल मोशन की बात हुई, और अगर आप स्पिन की बात करो तो स्पिन में आप ऐसे लिख दोगे, तो ऑर्बिटल और स्पिन को जब आप सम अप कर दोगे तो वो एक न्यूक्लियॉन का टोटल मोमेंट आ गया, उसका भी रिजल्टेंट निकालोगे तो आप होल न्यूक्लियस के लिए लिख सकते हो, ठीक है। फिर जायरो मैग्नेटिक रेशियो सेम होगा इसके लिए भी, कि आपने टोटल मोमेंट ऊपर रखा और टोटल मोमेंटम नीचे रखा, तो ये चीज आपके पास आ जाएगी, गॉट माय पॉइंट। अब ये क्लासिकल थ्योरी से आए स्टूडेंट्स, तो अगर आप क्वांटम अप्रोच लगाओगे तो आपको जी फैक्टर भी साथ में अप्लाई करना पड़ेगा, और वेक्टर फॉर्म में अगर आप देखो तो आपके पास ये वैल्यू आती है स्टूडेंट्स। अब अगर मैग्नीट्यूड में निकालना तो आप आई का मैग्नीट्यूड यहाँ पुट कर सकते हो, और ये चीज तो आपको पता है, ये ई एच कट डिवाइड बाय 2 mp आपका न्यूक्लियर मैग्नेटन है। तो आपके पास टोटल जो वैल्यू निकल के आई है किसी भी न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट की, वो ये आई है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या, म्यू आई इज इक्वल्स टू जी म्यू एन आई। और इससे निकले हुए रिजल्ट हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ बहुत अच्छे से एग्री थे, मीन्स बहुत सही रिजल्ट आ रहे थे, गॉट माई पॉइंट। तो स्टूडेंट्स आज हमने कंप्लीट न्यूक्लियस की सभी प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट स्टडी करूंगी। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बाइंडिंग एनर्जी को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।